What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज 6 मार्च 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। आज फ्राइडे है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है हफ्ते का, तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 5 मार्च आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,276। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता क्योंकि निफ्टी इंडेक्स हमारा जो फर्स्ट टारगेट था इसी के ऊपर ओपन हुआ और सेकेंड टारगेट को इसने रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ और 20 EMA का इसने सपोर्ट टेस्ट करके जब ये रिबाउंड हुआ तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,300 और सेकेंड टारगेट 11,328 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं एक क्विकली ट्रेडिंग फैब का इंट्रो दे देता हूँ। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि ZERODHA है, अपस्टॉक्स है, 5paisa है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। तो चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार US मार्केट में फिर से जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। नासडैक करीब 279 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहे थे, लाल निशान में बंद हुए। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी 383 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। कोरोना वायरस की लगातार खबरें आ रही है, उसके कारण दबाव देखने को मिल रहा है। जापानीज इंडेक्स भी 676 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। एशियाई बाजार लगभग सभी मार्केट्स लाल निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 212 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर काफ़ी बना हुआ है। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, उसके बाद निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे। ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, ये नया मंथ शुरू हो रहा है तो मंथली चार्ट से शुरू करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी ऑलमोस्ट 80-90% सिमिलर होता है। तो यहाँ पर मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया, ये लो और ये हाई पकड़ के। तो यहाँ पर भी अभी इस महीने भी हम देख सकते हैं कि नेगेटिव कैंडल अभी तक यहाँ पर बना हुआ है। तो इसने 23.6% का ये जो लेवल है 28,080 के पास, ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। 20 EMA भी इसी लेवल के अराउंड आ रहा है, तो ये लेवल पेनेट्रेट हो सकता है इस महीने में। अगर इस लेवल के नीचे क्लोज मिलता है और यहाँ पर ऐसी अगर बियरिश कैंडलस्टिक अगर यहाँ पर क्रिएट होती है तो यहाँ से और भी बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमें दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल 2016 के बाद इसने 20 EMA को ब्रेक नहीं किया है। आप देख सकते हैं लगातार ये यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहा है। तो अभी ये थर्ड टाइम है, क्या फिर से एक बार ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाएगा या फिर ये 20 EMA को ब्रेक करेगा, ये हम आने वाले दिनों में जैसे मार्केट बिहेव करेगा उसी से हमें पता लग सकता है। तो ये काफ़ी क्रूशल लेवल हो सकता है 28,000 का। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हमें 25,276 जो कि 50 EMA का भी लेवल इसी के पास आ रहा है मंथली चार्ट में, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो। अभी फिलहाल मंथली चार्ट में सपोर्ट टेस्ट कर रहा है 20 EMA का 28,000 के पास। तो चलते हैं वीकली चार्ट में।
वीकली चार्ट में भी जैसे कि हमने निफ्टी इंडेक्स को देखा था 100 ईएमए के पास सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, पास्ट में भी ये देखिए इसने यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। तो अभी 100 ईएमए भी 23.6% के लेवल के पास आ रहा है वीकली चार्ट में, तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 28,000। ये ब्रेक करता है इसके नीचे आज क्लोज मिलता है तो चांसेस होंगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये यहाँ से मूव हो सकता है। तो वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में हमने सपोर्ट लेवल के पास बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं डेली चार्ट में, यह है डेली चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्विंग लो बना था, ये यहाँ पर स्विंग लो बना था, इसी के पास अभी बैंक निफ्टी इंडेक्स है। और यहाँ पर अभी अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरएसआई के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर प्राइस एक्शन में लोअर बॉटम्स बन रहे और यहाँ आरएसआई में हायर बॉटम्स बन रहे, तो ये डाइवर्जन है। लेकिन अभी तक इसने ये जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक नहीं किया, आरएसआई में ये जो स्विंग हाई बना है इसको ब्रेक नहीं किया, सिर्फ नीचे लो हायर बॉटम्स इसने क्रिएट किया है। तो थोड़ी सी आशंका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक हमें बाउंस बैक दिखाई दे। हालांकि जैसे कि ग्लोबल सिनेरियो दिखाई दे रहा है, लग नहीं रहा है कि यहाँ से आज बाउंस बैक दिखाई देगा, लेकिन अगर ये स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो चांसेस होंगे कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिले। अगर बाउंस बैक दिखाई देता है तो कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है, कहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसके लिए हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो फॉल आया है ऊपर के लेवल से, तो अभी देख सकते हैं 29,184 के पास ये लास्ट 3 दिन से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल के पास। अगर इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ऊपर 29,839 जहाँ पर ये इसने पास्ट में स्विंग लो बना के बाउंस बैक दिखाया था, यहाँ पर हो सकता है अभी ये रेजिस्टेंस फेस करे, तो लेकिन इसे 29,184 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये लेवल से अगर ऊपर की तरफ ये बैंक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता है तो, और ये जो लेवल है 23.6 का ये अगर ब्रेक करता है तो एज़ पर डेली चार्ट ये नीचे तक 27,500 तक ये पेनेट्रेट हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पास्ट में इसने सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दिखाया है, यहाँ पर दिखाया, तो ये 27,500 का नेक्स्ट सपोर्ट होगा यहाँ पर, और उसके बाद 26,800 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो ये सपोर्ट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए, इसके अकॉर्डिंग आप अपना बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। चलते हैं अभी निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, सेम जैसे बैंक निफ्टी में हमने यहाँ पर देखा, ये अभी 100 ईएमए के पास सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, इसको अगर रिस्पेक्ट करता है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है आज के दिन में, तो चांसेस है कि यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई दे, क्योंकि वीकली चार्ट में यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक का अभी पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है आज, अभी तक ये वीक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जैसे पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले वीक में यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है निफ्टी के लिए ये हम तय कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है निफ्टी इंडेक्स। डेली चार्ट पर चले तो डेली चार्ट में जैसे कि कल भी हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था कि इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, यानी ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक बना है इसका हाई और लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ये हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी क्रूशियल लेवल्स हो जाती है। ये ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट लेवल होगा और ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेवल होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आरएसआई वर्सेस प्राइस एक्शन, यहाँ पर प्राइस एक्शन में भी क्लियर हायर बॉटम्स बनने की कोशिश हो रही है और नीचे आरएसआई में भी हायर बॉटम्स बनने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ पर हो सकता है एक बाउंस बैक आए, फिर से 11,100 का सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाई दे। 11,100 काफ़ी क्रूशियल लेवल अभी हो जाएगा, अगर ये ब्रेक करता है तो आरबी निफ्टी इंडेक्स में हमें दबाव देखने को मिल सकता है। तो यह डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह 60 मिनट का चार्ट,
जैसे कि हम ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं, काफी दबाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो लेवल है S1 के नीचे, यहाँ पर एक स्विंग लो बना था पास्ट में, और यहाँ से भी एक स्विंग लो बना था। ये ऐसे यहाँ पर भी इसने एक सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया है। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 11,200 को, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,175। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल, जो कि 11,156 के पास है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना होगा, काफ़ी रिस्की होगा गैप डाउन ओपनिंग में अगर ट्रेड करना है तो। 11,156 के नीचे सस्टेन होने दीजिए तो ही फर्दर आपकी शॉर्ट पोजीशन आप बना सकते हैं, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। और अगर ऊपर की तरफ अगर ये मूव करता है, तो यहाँ से जहाँ से इसने कल भी एक स्विंग हाई बनाया है, ये देखिए यहाँ पर स्विंग हाई बनाया था, और उसके बाद अभी कल फिर से इसने यहाँ पर स्विंग हाई बनाया है, तो डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे। तो इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, यानी R1 के लेवल को 11,358 को अगर ब्रेक करता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,386। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,416। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।